हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कार देख लो मैं वापस आ चुका हूं वासुदेव टाटा मोटर्स हजारीबाग के शोरूम में, जो कि झारखंड में अवेलेबल है। और इस शोरूम से मैं नेक्सॉन की स्मार्ट प्लस एस का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो कि यहां पे व्हाइट कलर के साथ लगी है। बेसिकली 2024 में नेक्सॉन की एक ऐसी वेरियंट आप लेने का प्लान कर रहे हैं जहाँ पे इसमें सनरूफ भी मिल जाए और वो जरूरत की सारी फीचर जहाँ पे आपको बाद में एक गाड़ी में अलग से एसेसरीज के तौर पर लगानी पड़ती है, वो अगर आपको ना लगाना पड़े और वो कंपनी फिटेड मिले तो भाई इस वेरिएंट को ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसकी सारी फीचर्स कवर करूंगा, साथ में इसकी प्राइस क्या होने वाली है सब कुछ मैं आपको डिटेल में रिव्यू दूंगा, तो वीडियो में बने रहे। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब बात कर लेते हैं कि इस वेरियंट को लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों का ऑप्शन होने वाली है। और ये जो फ्रंट में लगी है ये पेट्रोल वाली लगी है, साथ में इस वेरियंट में ये सारे कलर ऑप्शन होने वाली है। अब बिना देरी के हुए चलते इस गाड़ी के फ्रंट के फेसिया में और स्टार्ट करेंगे कि इस वेरियंट में आपको पर्टिकुलर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती है। सबसे पहले न्यू LED DRL, न्यू LED हेडलैम्प, न्यू ग्रिल पियानो ब्लैक कलर के साथ, जो कि इसे और भी प्रीमियम बनाती है। और इसकी न्यू लोगो देखो यार, ये गाड़ी को एनहांस करती है। और यहाँ पे लोअर रेडिएटर ग्रिल जो है ये भी आपको न्यू मिलने वाली है 2024 के साथ। गाड़ी को इमरजेंसी केसेस पे फ्रंट से टो करनी है तो यहाँ पे टोइंग हुक मिलती है। और इसकी फ्रंट की बोनेट की डिजाइनिंग देखो यार, ये काफी अच्छी लगने वाली है, साथ में गाड़ी को फ्रंट से एरोडायनेमिक भी बना के रखती है। अब आ चुके गाड़ी के साइड के फेसिया में, तो एक बार आप इसकी लुक देखो यार, साइड से एज SUV की जो फील होनी चाहिए यहाँ पे आपको होने वाली है साइड से। अब बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की, जहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट साथ में गाड़ी की व्हील बेस आप देख पा रहे होंगे। इसकी डोर हैंडल जो है ये ब्लैकआउट के साथ रखी गई है, लेकिन ORBM में जैसे आओगे तो भाई यहाँ पे हेरियर वाली ORBM आपको मिलती है, जहाँ पे एक बड़ा सा LED टर्न इंडिकेटर ORBM के अंदर के मिरर को एडजस्ट करनी है तो बटन से आप कर पाओगे। हालांकि इस वेरिएंट में ORBM को मैन्युअली रूप से फोल्ड करनी पड़ती है। जैसे गाड़ी के टायर सेक्शन में आओगे तो सबसे पहले ये जो व्हील कवर देख पा रहे होंगे भाई, ये हालांकि कंपनी से आपको मिलती है लेकिन इस वेरिएंट में एसेसरीज के तौर पर आपको लगाई गई है, क्योंकि इस वेरियंट में आपको नहीं मिलती है। गुडियर की टायर होने वाली है, टायर सेक्शन 195/60 R16 की होती है। ये व्हील कवर लगवा लेना भाई, ये गाड़ी के लुक को एनहांस करती है। यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है वो ब्लैक पेंटेड स्टील रिम आपको होती है, साथ में टायर साइज जो 16 के साथ है, फ्रंट में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलने वाली है, साथ में ग्राउंड क्लियरेंस आपको 208 mm के साथ मिलती है। और ये जो ब्लैक कलर की क्लाइडिंग आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी को मेजर स्क्रेचेस वाटर और डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। और साइड में ये जो ब्लैक आप बीट देख पा रहे हैं, ये गाड़ी को लुक को एनहांस भी करती है। अब जैसे गाड़ी के रूफ टॉप में आओगे तो यहाँ पे देखो यार, इसकी रूफ रेल सिल्वर कलर के साथ होती है और यहाँ पे ये S वेरिएंट है तो इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है। तो नेक्सॉन की इसी वेरिएंट से सनरूफ आपको स्टार्ट मिलने वाली है, साथ में पीछे सार्फिन एंटीना। अब एक बार गाड़ी की बैक प्रोफाइल देखो यार, इसे भी 2024 में अपडेट की गई है, जहाँ पे इसकी इंटीग्रेटेड स्पॉइलर को एक्सटेंड की गई है और ये ब्लैकआउट के साथ रखी गई है। हालांकि इस वेरिएंट में वाइपर तो आपको नहीं मिलती है, लेकिन ऊपर के वेरिएंट में जैसे वाइपर लोगे तो यहाँ पे अंदर में छिपा हुआ आपको मिलना है। और इसकी बैकलाइट देखो यार, न्यू LED डिजाइन के साथ रखी गई है। हालांकि ये कनेक्टेड फील हो रही है, लेकिन भाई ये कनेक्टेड नहीं है, ऐसा यहाँ पे डमी आपको मिलती है, साथ में टर्न इंडिकेटर, पीछे लोगो काफी क्यूट सा लगता है और नीचे यहाँ पे कैमरा और नेक्सॉन की आप यहाँ पे ब्रांडिंग देख पा रहे होंगे। और इसकी बम्पर की डिजाइनिंग देखो यार, ये भी यूनिक रखी गई है, साथ में दो पार्किंग सेंसर, साथ में पीछे रिफ्लेक्टर, एग्जॉस्ट की प्लेसिंग आपको राइट साइड में नीचे मिलती है। अब इसके फ्यूल लिड को ओपन करोगे तो भाई यहाँ पे पाओगे कि ये पेट्रोल वेरियंट है, जो कि 44 लीटर कैपेसिटी के साथ आती है। और यहाँ पे E20 आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे अब जो पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा वो 20% के साथ है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको और भी माइलेज मिलने वाली है, जो कि इसके माइलेज के टाइम पे मैं आपको कवर करूंगा। अब इसके बूट को ओपन करना है तो नीचे कोई यहाँ पे सेंसर नहीं है जिसके थ्रू आप ओपन कर पाओगे। बूट को ओपन करना है तो दो तरीका है, सबसे पहले इंटीरियर में एक बटन है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर पाएंगे। और इसके चाबी में आएंगे तो एक मैनुअल की मिलती है, साथ में एक यहाँ पे फ्लिप की मिलती है जो पुश टाइप से ओपन होती है, जहाँ पे लॉक अनलॉक की बटन, और गाड़ी के लाइट को ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और एक चीज भाई, यहाँ पे बूट एक्सिस का कोई बटन्स मिलती है नहीं ना, तो करना कुछ नहीं है, जो लाइट वाली बटन से उसे प्रेस करके रखना है, ऑटोमेटिक आपकी बूट ओपन होगी, लाइट भी यहाँ पे जलेगा और हॉर्न भी आपको यहाँ पे सुनाई देने वाली है, ताकि ये आप कंफर्म हो सके कि गाड़ी की बूट ओपन हो चुकी है। अब टेलगेट के इनसाइड में देखोगे तो ये ब्लैकआउट के साथ रखी गई है, साथ में एक हैंडल ग्रिप जिसके थ्रू आप इसे क्लोज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी बूट स्पेस की, तो यहाँ पे 382 लीटर की बिग साइज की बूट स्पेस मिलती है, जहाँ पे पार्सल ट्रे और पार्सल ट्रे को टो करना चाहेंगे तो यहाँ पे टोइंग हुक भी दी गई।
रही है और इन साइड में दोनों तरफ 3-3 kg का लगेज होल्डर है जहाँ पे प्लास्टिक थैला कुछ कैरी करना है तो आप टो कर पाएंगे। अब गाड़ी की स्टेपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक पेंटेड स्टील रिम के साथ होने वाली है। गाड़ी के जैक टूल किट्स की सारी चीज यहीं पे प्लेसिंग होती है। टायर जो है वो गुडियर की होती है, साथ में टायर सेक्शन 195/60R16 की टायर यहाँ पे होने वाली जो कि प्रॉपर वे में यहाँ पे प्लेसिंग की गई है। अब चलते गाड़ी के रियर इंटीरियर में, तो एक बार आप इसकी सीटिंग पोजीशन देखो यार, ऐसा झुका हुआ आपको फील होगा ताकि लॉन्ग ड्राइव में जो राइडिंग है वो आपको बेहतर मिल सके। साथ में दोनों जो हेडरेस्ट है वो हाइट एडजस्टेबल के साथ है। 2024 में यहाँ पे 3 point वाली सीट बेल्ट अब मिलेगी आपको, साथ में आइसोफिक्स एल सेफ्टी लॉक और इसकी थाई सपोर्ट देखो यार, यहाँ पे भी बड़े लोग कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगे और इसकी सीट की जो कंफर्ट और कुशनिंग है ये भी बेहतर मिलती है। हालांकि ये जो कवर आप देख पा रहे होंगे भाई, ये एसेसरीज की पार्ट है जिसे आप शोरूम से लगवा सकते हैं। अब इस गाड़ी की लेग स्पेस देखो यार, काफी कंफर्टेबल यहाँ पे लेग स्पेस मिलने वाली है। ड्राइवर सीट को अपने हाइट के अनुसार मैंने पीछे किया, लेकिन फिर भी देखो यार पीछे मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, कोई भी टेंशन आपको लेग स्पेस में नहीं होगी। हालांकि इस वेरिएंट में एसी वेंट नहीं है, आप अगर लगवाना चाहोगे एसेसरीज में तो वो आप फिट करवा सकते हैं। इसके साथ दोनों साइड में फिक्स हैंडल ग्रिप्स और लेफ्ट साइड में यहाँ पे कोट होल्डर भी मिलती है। पीछे भी यहाँ पे 3 point वाली सीट बेल्ट आपको मिलती है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो डिस्प्ले में आपको बीप की साउंड आएगी, तो सेफ्टी के तौर पे इसे लगा के ही चलना चाहिए। गाड़ी की रियर डोर स्ट्रीम्स ऑल ब्लैक आउट के साथ रखी गई है जो कि इसे प्रीमियम बनाती है। और इसकी नॉब देखो यार, लॉक अनलॉक वाली, ये भी आपको ब्लैक आउट के साथ रखी गई है। पीछे आपको ट्विटर्स नहीं मिलती है, एसेसरीज में आप उसे फिट करवा पाओगे। हालांकि पीछे पावर विंडोज, यहाँ पे किया कॉइन कैरी करनी है, साथ में 1 liter की बोतल होल्डर, पीछे कुछ कैरी करनी है। और ये स्मार्ट प्लस एस वेरियंट है तो यहाँ पे पीछे भी रियर स्पीकर मिलती है जो कि हरमन का ब्रांडेड यहाँ पे होने वाली है। और इस डोर में रेगुलर कार्स की तरह चाइल्ड सेफ्टी लॉक है जो कि आपके बच्चे के चाइल्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब गाड़ी की फ्रंट की इंटीरियर देखो यार, ऐसा आपको प्रीमियम फील करवाएगी जो कि ब्लैक आउट के साथ रखी गई है। इसे बाद में आपको कवर करके बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चलेंगे भाई गाड़ी के ड्राइवर्स डोर में। तो आरबीएम के अंदर के मिरर को एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर पाओगे, हालांकि फोल्ड मैनुअली रूप से करनी पड़ती है। और नीचे चारों पावर विंडोज 1 touchdown आपको मिलती है। पावर विंडोज को लॉक करनी है, किया कॉइन कैरी करनी है। ये अच्छी बात है कि नेक्सॉन में अम्ब्रेला होल्डर यहाँ पे मिलती है, साथ में यहाँ पे बोतल होल्डर, मैगजीन कैरी करनी है तो यहाँ पे आप कर पाएंगे। और फ्रंट में भी स्पीकर्स मिलती है। अब आते हैं गाड़ी के ड्राइविंग सीट में, तो यहाँ पे जो सीट कवर है भाई ये एसेसरीज की पार्ट है, इसे इंक्लूड मत करना। साथ में इसकी जो दोनों हेडरेस्ट आप देखो भाई, ये हाइट एडजस्टेबल के साथ है। इसके साथ दोनों सीट को आगे पीछे या रिक्लाइन करनी है तो इजी वे में आप कर पाएंगे। इसकी जो थाई सपोर्ट है वो काफी अच्छी कुशनिंग के साथ मिलती है। और इसकी शोल्डर सपोर्ट देखो यार, ये भी दोनों तरह से आपको प्रॉपर हक करके रखेगी। और यहाँ पे पढ़ो भाई साइड एयरबैग, कहने का मतलब है कि अब नेक्सॉन की कोई भी वेरियंट लोगे तो यहाँ पे 6 airbag मिलने वाली है जो कि आपको बेस वेरियंट से स्टार्ट होने वाली है। अब यहाँ पे इसकी स्टेयरिंग देखो यार, 2 spoke के साथ मिलती है, साथ में डी सेप के साथ है जो कि न्यू अपडेट्स के साथ मिलने वाली है। नीचे पियानो ब्लैक कलर की काफी अच्छी फिनिशिंग को रखी गई है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलती है, तो इसके लिए इग्निशन को स्टार्ट करना है। और जैसे स्टार्ट करोगे तो भाई यहाँ पे आपको लाइटिंग मिलने वाली है, साथ में वॉइस कमांड और बीच में इल्यूमिनेटेड लोगो मिलती है जिसे अगर आप इसे ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप से ये एज अ प्रीमियम फील करवाती है। जब भी आप इग्निशन को ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाती है, और ये जैसे स्टार्ट करोगे तो ये ऑन हो जाती है। साथ में अब जो हॉर्न की बटन से यहाँ पे मिलती है जो कि इसे और भी प्रीमियम बनाती है। राइट साइड में जो है इसकी लाइटिंग की नॉब, और लेफ्ट साइड में आएंगे तो इसकी वाइपर की नॉब होती है। ये जो स्टीयरिंग है ये आपको टिल्ड मिलती है, टेलीस्कोपिंग यहाँ पे नहीं दी जाती है। अब गाड़ी की डैशबोर्ड देखो यार, ऑल ब्लैक आउट के साथ रखी तो जाती है, लेकिन भाई यहाँ पे फ्लोटिंग टच स्क्रीन है जो कि हरमन की ब्रांडेड आपको मिलती है। ये 7 inch के साथ आती है जहाँ पे आपको 4 speakers, साथ में एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सारी कनेक्टिविटी मिलती है। 2024 में इसे अपडेट की गई है जो कि इसे काफी प्रीमियम बनाती है। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। साथ में डैशबोर्ड को ऐसा प्रीमियम बनाए रखने के लिए कुछ इस टाइप की 3D वाली डिजाइनिंग यहाँ पे आपको मिलती है। और यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, साथ में सारी इसकी नॉब, गाड़ी के हैजार्ड लाइट आप यहां से जला सकते हैं, साथ में बूट को जो ओपन करना है इस बटन के थ्रू कर पाएंगे। इनसाइड में 12 volt की रेगुलर चार्जर और यहां पे USB पोर्ट। अब गाड़ी के गियर्स में आओगे तो 5 gear विद एक रिवर्स के साथ पूरी तरह से लेदर कवर होती है। और एज अ पियानो ब्लैक कलर की जो फिनिशिंग है यहां पे भी मिलती है, सराउंडिंग भी है, और मिडिल की जो कॉन्सोल है ये प्रीमियम फील करवाती है। नेक्सॉन में ये 3 drive जो मोड है वो हमेशा है सिटी, इको, स्पोर्ट। अपने कम्फर्ट के अनुसार आप अपने ड्राइविंग मोड को चेंज कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे कप होल्डर और यहाँ पे इसकी हैंड ब्रेक की ग्रिपिंग देखो यार, ये प्रॉपर रखी गई है।
पीछे एज अ टॉप एंड वेरिएंट में आर्मरेस्ट मिलती है, आप उसे चाहेंगे तो एसेसरीज में लगवा सकते हैं। फिलहाल कुछ कैरी करना है तो आप कर पाएंगे, लेकिन अगर आर्मरेस्ट लगानी है एसेसरीज में उसे आप लगवा सकते हैं। अब गाड़ी के ग्लव बॉक्स को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप की आपको बटन्स मिलती है जिसके थ्रू आप इसे ओपन कर पाओगे। और यहाँ पे स्पेस देखो यार, यहाँ पे डेप्थ में काफी अच्छी स्पेस है, आप आराम से बहुत चीज यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे देखो यार, फोन कैरी करनी है, परफ्यूम रखनी है, पेन रखनी है, और यहाँ पे दो कप होल्डर भी है। तो ये चीज काफी अच्छी बात है कि जरूरत की सारी यहाँ पे स्पेस पर्टिकुलर बनाई गई है। अब गाड़ी के MID के कंट्रोल्स में आओगे तो यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलती है, जहाँ पे साइड में देखो काफी अच्छी क्रोम की डिजाइनिंग मिलती है। लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे RPM मीटर, बीच में स्पीडोमीटर आपको मिलती है, रियल टाइम माइलेज आप यहां से देख पाएंगे, टाइमिंग क्या हो रही है, गाड़ी सिटी मोड में है, ट्रिप ए ट्रिप बी, गाड़ी की बैटरी जो है लो है, साथ में गाड़ी की डोर्स ओपन है या मैंने अभी सीट बेल्ट नहीं लगाई, वो सब कुछ यहां पे मिलती है। लो फ्यूल वार्निंग, गाड़ी में फ्यूल कितनी है, गाड़ी की इंजन कितनी हीट है, भाई जरूरत की सारी चीज यहां पे अवेलेबल होने वाली है। को ड्राइवर साइड के अप में आओगे तो यहां पे सॉफ्ट हैंडल ग्रिप्स, और इधर आओगे तो एक वैनिटी मिरर आपको मिलती है। साथ में इसकी जो IRVM है वो डे नाइट के साथ होने वाली है। ऊपर में सनरूफ को क्लोज करना है या ओपन करना है यहाँ से आप कर पाएंगे। को ड्राइवर सीट के एयरबैग को ऑफ करना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर को ड्राइवर साइड में कोई नहीं बैठता हो तब जाके ये चीज करना, वरना नहीं करना। सेफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एयरबैग का ओपन होना। इसके साथ इसकी जो लाइट है वो LED के साथ है, साथ में ऊपर में माइक। ड्राइवर के साइड में आओगे तो यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिलती है, और ये भाई सनरूफ के साथ है, तो सनरूफ के साथ जब भी जाओगे तो रेन सेंसर वाइपर मिलेगा। और फ्रंट की जो हेडलैम्प है वो ऑटो के साथ अवेलेबल होती है। अब आते हैं गाड़ी के इंजन के प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर 1200 सीसी की टर्बोचार रेबोट्रॉन इंजन आती है, जो कि 3 सिलेंडर के साथ आती है। अच्छी बात यह है, ये जो ब्लैक कलर के साथ इसकी इंसुलेशन देख पा रहे होंगे, ये गाड़ी के हीट और नॉइस को एब्जॉर्ब करती है। और गाड़ी के इंजन और इसकी सारी कॉम्पोनेंट्स की आप यहाँ पे प्लेसिंग देख पा रहे होंगे। साथ में इसकी जो बैटरी है वो Amaron के ब्रांडेड बैटरी यहाँ पे मिलती है। साथ में लेफ्ट साइड में गाड़ी की ब्रेकिंग सेंसर, वॉशर की जो वाटर है यहाँ से फुलफिल करनी है, कूलेंट, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ये सारा यहाँ पे आपको पार्ट मिलती है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे फुलफिल करनी है। और हमेशा याद रखना कि ये ज्यादा जितना हो भरा हुआ वो आपके गाड़ी के लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। इस गाड़ी को लेते हैं तो कंपनी के साइड से जो वारंटी मिलती है वो 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर की कवरेज होती है। टोटल वारंटी आप 5 साल तक एक्सटेंड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की सेफ्टी की, तो Nexon को NCAP ग्लोबल में 5-स्टार रेटिंग मिली है। तो आप अपने फैमिली के लिए एक SUV लेने का प्लान कर रहे हैं, वो भी कॉम्पैक्ट सेगमेंट की, तो भाई आप इस गाड़ी को ले सकते हैं जिसे इसे 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की माइलेज की, तो भाई Nexon पेट्रोल के साथ जाओगे तो यहाँ पे सिटी में जो माइलेज मिलने वाली है वो 14-16, और इसे हाईवे में ड्राइव करोगे तो वही आपको 18-20 यहाँ पे माइलेज आपको मिलती है। हालांकि माइलेज जो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे कि आप गाड़ी कैसा चलाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं गाड़ी की प्राइस की, तो X-Showroom इसकी 9 लाख पड़ने वाली है, और इसे वासुदेव टाटा मोटर्स हजारीबाग शोरूम से लोगे तो यहाँ पे जो इसकी ऑनरोड पड़ने वाली है वो 10,33,000 के आसपास पड़ती है। और ये जो ऑनरोड बताया है ये झारखंड के लिए बताया। अगर आप BS सीरीज लेना चाहेंगे तो भाई इस नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे Nexon के साथ टाटा की कोई भी गाड़ी की आप इंक्वायरीज कर पाएंगे। तो ये रहा भाई इस गाड़ी की सारी फीचर्स, जहाँ पे मैंने साइड बाय साइड सब कुछ कवर करके बताया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि भाई Nexon लेने का प्लान कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी वेरिएंट जहाँ पे आपको सबसे पहले सनरूफ मिल जाए और सबसे स्टार्टिंग वेरिएंट एक ऐसी हो जहाँ पे जरूरत की सारी चीज हो, तो आप उस वेरिएंट को ले सकते हैं। तो भाई ये रही जो फ्रंट में आप वो वेरिएंट देख पा रहे होंगे, तो जरूरत की सारी चीज है, साथ में सनरूफ भी है, तो वैल्यू फॉर मनी में आप इसमें जा सकते हैं। तो अब करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।